नमस्कार मेरोस, मैरी क्रिसमस। क्रिसमस की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। ऐसे बाइबल ज्ञाताओं का मानना है कि 25 दिसंबर में क्राइस्ट का जन्म नहीं हुआ था। एक्चुअल में उस दिन रोमन गॉड सैटर्न का फेस्टिवल मनाया जाता था, जब रोमन एम्परर कॉन्स्टेंटाइन वन ने अपने एक सपने में क्रॉस देखा, स्पेशली एक ऐसे टाइम में जब वो एक युद्ध के लिए जाने वाले थे और हारना निश्चित था, मगर क्रॉस का झंडा लिए युद्ध में लड़े और उस बार जीत उनकी हो गई और उन्होंने क्रिश्चियनिटी को अपना लिया और क्रिश्चियनिटी को एक लीगल रिलीजन के तौर पर घोषित भी कर दिया। और एम्परर को खुश करने के चक्कर में लोग क्रिश्चियन रिलीजन से जुड़ गए, मगर अपने पुराने फेस्टिवल्स और स्टाइल को नहीं छोड़ पाए और उन्होंने हर हॉलीडेज और फेस्टिवल को वैसे ही रखा, बस थोड़ा नामकरण कर दिया और कैरेक्टर में थोड़ा फेरबदल, क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड कैरेक्टर को सामने रख सारे फेस्टिवल वैसे ही मनाए गए। एनीवेज, मैं इन बातों के डिटेल में आपको नहीं लेकर जाना चाहती। वैसे मुझे पर्सनली कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज ही के दिन यीशु मसीह का जन्म हुआ था कि नहीं। बस मतलब तो इस बात का है कि मुझे वापस पिता से जोड़ने, मेरे पापों को क्षमा करने, मेरा उद्धार करने मेरे मसीहा ने मुझ मनुष्य का स्वरूप लिया। मेरे लिए हर दिन क्रिसमस है क्योंकि हर दिन मसीह के इस प्यार को मैं याद करती हूँ। लेकिन आज सारी दुनिया इस खुशी को मना रही है, तो मेरी खुशी भी दुगनी ही है। देखा जाए तो आज सारी दुनिया के क्रिश्चियंस जीसस को सेलिब्रेट करते हैं, मगर आज ही के दिन सबसे ज्यादा ऐसा काम भी करते हैं जिससे जीसस को दुख भी पहुंचता होगा। क्या हमारा सेलिब्रेशन क्राइस्ट को एज अ सेवियर मिलने की खुशी में है, क्या बस एक हॉलीडे मिलने की? क्या आपके सेलिब्रेशन में क्राइस्ट फैक्टर है? आज शराब की कितनी बोतलें खुलेगी, कितने क्रिसमस फादर और सेंटास के पीछे क्राइस्ट छुप जाएंगे और लोगों को पता भी नहीं चलेगा। दुनिया के सामने क्रिश्चियनिटी की ऐसी नुमाइश की जाएगी जहां अधिकतर जगह क्राइस्ट होंगे ही नहीं। क्या मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? आज शराब की बोतल खोलने के बदले जरा बाइबल खोले, थोड़ा सा मसीह जैसा दिखे, थोड़ा सा उनके जैसा प्यार करके देखे, थोड़ा उनके जैसा माफ कर देखें। रोमियो की पत्रिका 13:11-14 कुछ ऐसा कहता है, तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उसकी अपेक्षा अब हमारा उद्धार अधिक समीप है। रात्रि प्रातः बीत चुकी है, दिन निकलने पर है, अतः हम अंधकार के कार्यों को त्याग कर ज्योति के शस्त्र धारण करें। जैसे दिन में शोभनी है, हम सीधी चाल चले, ना कि रंगरेलियों और पियक्कड़पन में, ना व्यभिचार और कामुकता में, और ना झगड़े और ईर्ष्या में, वरन प्रभु यीशु मसीह को धारण कर लो और शारीरिक वासनाओं की तृप्ति में मन ना लगाओ। इसी के साथ मैं रोज विदा लेती हूँ। दुआ है कि आज का क्रिसमस आप लोगों की लाइफ में खुशियों का भरमार लेकर आए, एक खुशखबरी लेकर आए जिसका आप कई दिनों से इंतजार कर रहे हैं। चलिए फिर, खुश रहिए, मसीह से जुड़े रहे और अपनी दुआओं में मुझे भी याद करते रहे। यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करें। एक बार और मैरी क्रिसमस। धन्यवाद।